चैप्टर वन के एमसीक्यूज है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है जी? पहला ऑप्शन है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन है ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स, और ऑप्शन डी है ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एमसीक्यू नंबर टू है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है थ्री और ऑप्शन फोर है, ऑप्शन डी है सॉरी फोर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तीन टर्म्स होती है। एमसीक्यू नंबर तीन है, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है थ्री और ऑप्शन डी है फोर। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर फोर है, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है। ऑप्शन ए आपके सामने आ गया जी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, और ऑप्शन बी के अंदर आप देखें बी के साथ प्लस आ गया, बाकी सारा वही है। ऑप्शन सी में बी के साथ माइनस है लेकिन अंदर बी स्क्वेयर प्लस फोर ए सी ऑप्शन में दे दिए, और ऑप्शन डी है बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर प्लस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लें। एमसीक्यू नंबर फाइव है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स आर, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक्स माइनस सेवन एंड एक्स प्लस एट, एक्स प्लस सेवन एंड एक्स माइनस एट, ऑप्शन सी है एक्स माइनस सेवन एंड एक्स माइनस एट, और ऑप्शन डी है एक्स प्लस सेवन और एक्स प्लस एट। तो इसके लिए आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसके लिए आसान ट्रिक ये होती है कि आप देखें माइनस सेवन और माइनस एट को ऐड करने पे माइनस फिफ्टीन बन जाता है एक्स के साथ, और माइनस सेवन और माइनस एट को मल्टीप्लाई करने पे फिफ्टी सिक्स बनता है। तो ऑप्शन आपका सी ठीक था। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वन ओवर एक्स इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन सी है रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, एक्स को अगर वन ओवर एक्स रिप्लेस करें तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप थ्री पावर एक्स प्लस 3 पावर 2 माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन, ऑप्शन ए है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी है रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी है रेसिप्रोकल इक्वेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखें अगर अननोन वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ एक्स जो है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है। एमसीक्यू नंबर एट है, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन फोर एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सोल्यूशन सेट प्लस माइनस फोर आता है, ऑप्शन बी है फोर, ऑप्शन सी है प्लस माइनस टू और ऑप्शन डी है प्लस माइनस टू। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोल्यूशन सेट को हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, एक प्लस टू आंसर आएगा, एक माइनस टू आएगा। एमसीक्यू नंबर नाइन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर थ्री प्लस सेवन एक्स पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, इस तरह की इक्वेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी है रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इस तरह की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो उसके बाद फिर आप एक्स को वन ओवर एक्स से डिवाइड करें, सॉरी एक्स की जगह वन ओवर एक्स पुट करें, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है।